हेलो एवरीबॉडी दिस इज प्रवीण पटवारी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स एफआरएम का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ये जो कोर्स है ये टोटली बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में है एंड इन इनलाइन कोर्स फॉर सीए एमबीए इन फाइनेंस एक्चुरीज सी एफ और कंप्लीटेड स्टूडेंट्स ये जो कोर्स है इस कोर्स को करने के लिए लगभग एक साल का समय लगता है अगर आप जैसे इस कोर्स में टोटल में दो पार्ट होते हैं लेवल वन एंड लेवल टू एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके होते हैं मे ऑगस्ट एंड नवंबर के मंथ्स में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है तो जो एग्जामिनेशन सेंटर्स इंडिया में ही हैं बहुत सारे लोकेशंस पे आप एफआरएम के एग्जाम्स को लिख सकते हो एंड जो बॉडी है जो ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है उसका नाम है गार्प विच इज ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स सो एफ में कुल मिला दो पार्ट है लेवल वन एंड लेवल टू सो so, जो लेवल वन का एग्जाम होता है उसमें आपका हंड्रेड एमसीक्यूज आते हैं एंड लेवल वन में आपके मेजरली चार टॉपिक्स हैं वो हम लोग डेप्थ में देखेंगे एंड लेवल टू में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 80. पासिंग सेंटेज इज रफली रेंजिंग फ्रॉम फोर्टी टू फिफ्टी फाइव परसेंट ओके एंड द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट टू कंप्लीट द कोर्स इज टू लैख रुपीज विच इंक्लूड्स रफली वन लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज जो आप गार्ब को पेमेंट करते हो एंड जो हमारा एक्चुएटर्स का जो ट्रेनिंग फीस है वो है थर्टी थाउजेंड फॉर लेवल वन एंड थर्टी थाउजेंड रुपीज फॉर लेवल टू ओके आइए हम लोग इस कोर्स को समझते हैं सो so, सबसे पहले सो so ये जो मैंने डाउनलोड किया है ये मैंने डायरेक्टली गार्प के वेबसाइट से डाउनलोड किया है आप भी इस पीडीएफ को गार्प के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक जो है मैं मिस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लगा दूंगा ठीक है आइए तो पार्ट वन के एग्जाम में अगर आप देखेंगे मेनली आपका क्या क्या टॉपिक्स आएगा जो टॉपिक एक्चुअली से बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है वो है क्वॉन जिसका वेटेज है ट्वेंटी परसेंट ओके बिकॉज एक्चुअली आर ऑल्सो एक्सपर्ट इन रिस्क मैनेजमेंट ओके सी से जो बहुत ज्यादा रिलेटेड आपको मिलेगा पार्ट वन में वो है आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स जो आपका वेटेज कैरी करता है थर्टी परसेंट का फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो है इसमें बेसिकली आपको बताएंगे कि पास्ट में क्या क्या रिस्क इवेंट्स हुए हैं उस समय क्या क्या गलतियां हुई थी एंड उसको किस तरीके से मिटिगेट किया गया ताकि आगे ऐसी गलतियां ना हो गार्प कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी आपको पता चलेगा इन द टॉपिक ऑफ फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्वांट्स में आप देखेंगे जो स्टेटिस्टिक्स है वो बहुत अच्छे लेवल पे आएगा ओके टॉपिक्स लाइक रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी कोरिलेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये सब आपको एमबीए इन फाइनेंस में भी पढ़ाया जाता है एक्चुरी में तो है ही और CFA में भी ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। जो पूरा हमारा स्टॉक मार्केट का जो करिकुलम है जैसे आपका डेरिवेटिव हो गया स्टॉक्स हो गया इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हो गया आपका स्वैप्स हो गया ठीक है ना और भी जो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जब 2007 Uh, 2007 से लेकर 9 तक का जो क्रेडिट क्राइसिस हुआ था यूएस में उससे रिलेटेड जो भी सारे प्रोडक्ट्स है जैसे कि आपके एसेट बैक सिक्योरिटीज हो गए को लेट्रलाइज डेट ऑब्लिगेशंस हो गए मॉडगेज बैक सिक्योरिटीज हो गए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स हो गए ठीक है ना क्रेडिट डेरिवेटिव्स हो गए सो बेसिकली रिस्क के परस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा जो पूरा हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में आपको बहुत अच्छा बेसिकली uh, एक आइडिया लगता है जब आप एफ का कोर्स करते हो ठीक है ना एंड ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है एटी थाउजेंड प्लस प्रोफेशनल्स ऑलरेडी परस्यूड दिस कोर्स ठीक है ना जो कंप्लीट uh, कर चुके हैं इस कोर्स को ओके okay? एंड इस कोर्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर मान लीजिए आप एम करना चाहते हैं तो आप थर्ड ईयर के पहले उसका प्रेप्स चालू नहीं करते राइट right? सो so, जो फर्स्ट टू ईयर है उसमें आप गार्प का ये जो कोर्स है इसको आप परस्यू कर सकते हैं बिकॉज इस कोर्स को सिक्स मंथ से लेके वन ईयर में कंप्लीट किया जा सकता है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है वो इसको एक साल में दे वो दोनों पार्ट को अलग अलग दे एंड जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स है जो बेसिकली फाइनेंस साइड में काम कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं बैंकिंग में काम कर रहे हैं फाइनेंस में काम कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं तो वो चाहे तो वो दोनों लेवल्स को एक साथ भी दे सकते हैं या फिर अलग अलग करके भी दे सकते हैं क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है वो एक ही दिन पे होता है राइट right? एंड चार घंटे का आपका एग्जाम होगा और एक रेंज ऑफ डेट्स रहते हैं तो आप अपना एक अप्रोप्रिएट डेट उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है So basically, जो फोर्थ पार्ट है लेवल वन पे वो है आपका मॉडल्स जिसमें उन्होंने discuss किया risk के एक concept होता है उससे related और भी बहुत सारे जैसे आपका एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हो गया कैसे बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं रिस्क मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जिससे हम लोग रिस्क को मेजर कर सकते हैं एंड बेसिकली uh, उसके बाद में आपका बॉन्ड्स वाला जो टॉपिक है वो भी आपको बहुत अच्छे से लेवल वन पे देखने को मिलता है ठीक है ना सो so, बेसिकली पार्ट वन इज बेसिकली अगर आप देखोगे तो टोटल में रफली अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो एंड uh, तो आपका लगभग लगभग 250 फिफ्टी आवर्स में पार्ट वन कंप्लीट हो सकता है राइट right? एंड हम लोग बेसिकली मोर देन देस आपको देंगे हमारे यहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है हमारा क्यू फोरम जहां पर आपको सीबीटी का एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे आपको पीडीएफ वगैरह दे दिए जाते हैं बट हमारे पास में आपको सीबीटी का एक्सपीरियंस मिलेगा जिस फॉर्मेट में एग्जाम होता है बेसिकली उसी फॉर्मेट में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने द मेन थिंग जो आपको एफआरएम क्लियर करने के लिए चाहिए होगा वो है एक तो एक्सपर्ट गाइडेंस एक है आपका नॉलेज लेवल और दूसरा है आपका प्रैक्टिस सो बेसिकली थ्री थाउजेंड प्लस क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है उसके बाद में हम लोग आते हैं पार्ट टू के सिलेबस में जो पार्ट टू का सिलेबस है वो थोड़ा डिगिन करता है कि कितने टाइप के रिस्क होते हैं सो so पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट रिस्क है क्रेडिट रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क है रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है एंड जो करंट इश्यूज चल रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट में एंड स्टॉक मार्केट के पूरे इंडस्ट्री में ठीक है ना सो so बेसिकली जो पार्ट टू है वो मेनली आपका थोड़ा इन करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क में एंड लेवल वन और लेवल टू में अगर आप कंपैरिजन करते हो सो लेवल टू में रफली आप मान के चलिए आपको 50 मोर आवर्स थोड़े स्पेंड करने पड़ेंगे व्हेन कंपेयर टू लेवल वन बिकॉज लेवल टू जो एग्जाम है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्रैक करने के लिए दो जो पासिंग रिजल्ट है वो आपका ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम है लगभग ऑन द लोअर एंड वो ऑन एन एवरेज फोर्टी परसेंट रहता ही रहता है ठीक है ना सो so बेसिकली इसमें ऐसा नहीं होता है कि Uh, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर आउट ऑफ हंड्रेड क्वेश्चंस कितना क्वेश्चंस हम लोग को टिक करना पड़ेगा तब जाके हम लोग पास होंगे तो वैसा तो नहीं है बट आप ये मान के चलिए कि 65 टू 70 परसेंट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से टिक करते हो लाइक आप अगर आ, सही से टिक करते हो तो आप वो लेवल पास कर सकते हो बट बाकी तो आपका एवरेज परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि बाकी लोगों ने कैसा अटेम्प्ट किया है ठीक है ना सो दिस इज द थिंग सो जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया ओके okay? एंड प्रेपरेशन के जो आवर्स है एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया तो so, लगभग लगभग आप ये मान के चलिए लेवल वन में टू फिफ्टी आवर्स के हमारा जो क्लासेस रहेगा एंड लेवल टू में लगभग तीन सौ घंटे का हमारा क्लासेज रहेगा राइट एंड करेंटली वी आर टेकिंग एनरोलमेंट्स फॉर लेवल वन फॉर ऑगस्ट एंड नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अटेप ठीक है ना सो so, हमेशा हम लोग को यह टारगेट करना चाहिए कि हम लोग अर्ली बर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाएं बिकॉज गार्प इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स क्या है कि अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपका जो फीस है वो कम लगता है राइट सो so, वो मैं कॉस्ट डिटेल्स पे आऊँगा थोड़ी देर बाद ठीक है अभी हम लोग और आगे देखते हैं सो so बेसिकली एक वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड पॉइंट है जो सब बच्चे हमें से पूछते हैं आपको देखिए यहां पर लिखा हुआ है आफ्टर अचीविंग अ पासिंग स्कोर ऑन बोथ पार्ट्स ऑफ दर एम एग्जाम कैंडिडेट मस्ट सबमिट टू इन अ रिस्क रिलेटेड फील्ड सो बेसिकली आपको दो साल का वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करना पड़ता है तो बट तो आपको दो साल का वर्क एक्सपीरियंस उनको शो करना पड़ेगा तब जाके आप अपने नाम के आगे एफ आर एम लगा सकते हो ठीक है ना सो दिस इज द थिंग ओके, okay. सो so, कैसे आएगा आप पार्ट वन का एग्जाम दोगे आप पार्ट टू का एग्जाम दोगे ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं पार्ट वन में एंड एट्टी क्वेश्चन आते हैं आपके पार्ट टू में ठीक है सो बेसिकली आपको दो साल का आ, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी सबमिट करना पड़ता है एंड आपको रिकमेंडेड सीपीडी जो डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए आपको फोर्टी आवर्स एवरी

Uh, अभी कॉलेज में है जिसको क्वांट फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग में uh, अपना करियर बनाना है फाइनेंस के तरफ में अपना करियर बनाना है तो वो ये कोर्स कर सकता है वेरी इन लाइन कोर्स एज एक्चुरीज आप देखोगे द टॉपिक्स टॉट इन ए बिकॉज वट आई फील इज अगर एक एक्चुरील कैंडिडेट है तो रफली उसको uh, बहुत कम टाइम लगेगा वेन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स uh, अगर कोई सी का स्टूडेंट है तो भी उसको बहुत सारे टॉपिक्स में हेल्प होगा अगर वो एफ भी करता है तो एंड अगर कोई एम फाइनेंस का स्टूडेंट है जो चाहता है कि नहीं भाई मेरे को एक एडिशनल सर्टिफिकेशन चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में तो वो एफ का कोर्स कर सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अगर उनको ये लगता है कि हाँ भाई मेरे को समझना है किस टाइप से अलग अलग टाइप का रिस्क होता है एंड कैसे उसको हम लोग बेसिकली कम कर सकते हैं तो वो बेसिकली वो एफ का कोर्स कर सकते हैं ठीक है ना बेसिकली so अगर आप देखोगे तो आ, कौन कर सकता है इस कोर्स को प्रोग्राम हेल्प प्रोफेशनल इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशनल एरिया द डील्स विथ रिस्क ब्रॉडन देयर नॉलेज देयर स्किल सेट्स एंड बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू नेट टूडेज रैपिडली चेंजिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप आज के दिन पर अगर आप देखोगे तो हर हाँ टाइप के इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिस्क डेवलप हो रहा है सो बेसिकली उस रिस्क को बेसिकली एक ऐसा प्रोफेशनल जो वो रिस्क अच्छे से समझे एंड उसको ऐसा बेसिकली इस तरीके का रिस्पांस दे ताकि नुकसान किसी का ना हो राइट सो टू थाउजेंड में जो यूएस का जो क्राइसिस हुआ था अगर आप वो देखोगे सो so बेसिकली सब प्राइम लोगों को लोन्स दे दिए जा रहे थे एंड अल्टीमेटली क्या हुआ वो लोग लोन्स चुका नहीं पाए एंड पूरा जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से कोलैप्स हो गया था राइट एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि जब यूएस में वो आया एंड उससे फिर यूएस पूरा फाइट बैक किया एंड देन अभी उनका इकनॉमी इज वेरी स्ट्रांग राइट सो बेसिकली वैसा इवेंट्स और ना हो तो बेसिकली रिस्क की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो आज के दिन पे मान लीजिए अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं राइट right? एंड uh, अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल कर देते हो तो बेसिकली आपको ये उसका रिस्क समझना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल कर रहे हो तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो बहुत uh, बुरा हो सकता है अगर आप uh, उसको प्रॉपरली बेसिकली uh, मेजर नहीं करते हो कि हाँ भाई आपका कितना नुकसान उस पर हो सकता है राइट right? अगर आप नेकेड ऑप्शन बेच रहे हो तो सो दैट इज वाई मेकिंग स्ट्रेटजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट सो आज के दिन पे मान लीजिए जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स uh, होते हैं उनको बेसिकली ये रहता है कि भाई मेरा जो फॉरेन करेंसी में जो पेमेंट uh, आने वाला है राइट right? तो बेसिकली जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट जो होता है भाई मेरे को डर इस चीज का लग रहा है कि मान लो आज के दिन पे मैं यूएस में कोई चीज एक्सपोर्ट uh, किया हूं तो मेरे को उसका पैसा मिलेगा राइट right? बट वो वहां से डॉलर में पेमेंट करता है एंड अगर वो वहां से डॉलर में पेमेंट करता है तो मेरे को डर इस चीज का लग रहा है कि भाई आज जो रेट एटी फाइव चल रहा है तो कहीं वो 80 ना हो जाए तो उस केस में क्या होगा अगर वो 86 सिक्स का रेट एट्टी हो जाएगा मान लीजिए एक लाख डॉलर का मैंने एक्सपोर्ट किया है सर्विसेज का तो जहां मेरे को 86 सिक्स आई में रिसीव होता अब मेरे को 80 लैक्स ही रिसीव होगा सो बेसिकली वो जो मेरा डर है इसीलिए मैं एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आइदर अ फॉरवर्ड और अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर करूंगा ताकि वो रिस्क मेरा मैनेज हो जाए मेरा वो रिस्क हैज हो जाए ठीक है सो बेसिकली दिस इज वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दैट आई गिवेन ओके okay, एंड अगर किसी को करियर चेंज करना है रिस्क इंडस्ट्री में जाना है आज के दिन पे आप देखोगे डेटा एनालिटिक्स हो गया बहुत ज्यादा ट्रेंड में है उसके बाद में आपका क्वांट फाइनेंस बहुत ज्यादा ट्रेंड में है रिस्क मैनेजमेंट फील्ड्स आ गए हैं ठीक है ना सो बेसिकली वहां पर आप चाहो तो आप ये कोर्स कर सकते हो ठीक है एंड अगर कोई नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल है अगर वो चाहे तो वो भी बेसिकली इस कोर्स को करके फाइनेंस इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है बिकॉज ये जो कोर्स है ये शॉर्ट टर्म कोर्स है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस कोर्स को अगर कोई बच्चा डिलीजेंटली पढ़ता है लाइक रफली 180 डेज अगर आप पढ़ते हो हर दिन अगर आप तीन से चार घंटे पढ़ते हो तो यस आप दोनों लेवल्स को अच्छे से कैप्चर कर सकते हो बट उसके लिए आपको बहुत सॉलिड प्रिपरेशन का दरकार पड़ेगा एंड यस जो इंडियन एग्जाम स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि उसमें आप देखोगे आपको बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बट ये सीबीटी एग्जाम है तो वो आपको चेंज लाना पड़ेगा बिकॉज यूएस के जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं आप देखोगे चाहे वो यूएस सीपीए हो चाहे वो यूएस सीएमए हो चाहे वो आपका एफआरएम का हो तो उसमें बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ज्यादा करके होता है ठीक है ना सो so, दिस था एंड डेफिनेटली जितने भी सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप्स हैं इंडिया में जितना पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री है बिग फोर बिग सिक्स आप लो ठीक so, है ना सो वो लोग हम लोग को एम्प्लॉय करते हैं राइट इन द बेसिकली बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क में वो लोग एम्प्लॉय करेंगे या फिर अपने रिस्क डोमेन में एम्प्लॉय करेंगे ठीक है ना सो 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 बैंक्स में बहुत ज़्यादा करके एम्प्लॉयमेंट आती है एंड वो लोग बोलते भी है कि एफ का कोर्स हम लोग कर सकते हैं राइट सो बेसिकली ग्लोबल रिकोग्निशन है बेनिफिट्स right? so, तो बेसिक वही है कि आपको अच्छा नेटवर्किंग एंड आपका अच्छा रिस्क में पूरा फाउंडेशन बनता है राइट right? सो so, अगर आप कोई भी आ, कोर्स कर रहे हो जो फाइनेंस से रिलेटेड है एंड अगर आपको यह है कि मेरे को एक एडिशनल डिग्री उस पर एड ऑन करना है आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो आप एफ का कोर्स कर सकते हो राइट सो नाउ आई विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द डेट्स किस तरीके से आप अपना एफ का एग्जाम दे सकते हो सो दिस इज बेसिकली द काइंड ऑफ चैप्टर दैट यू सीन इन पार्ट वन सो ये भी आपको इस पी डी एफ में पूरा अच्छे तरीके से दिया हुआ है राइट एंड दिस इज द लेटेस्ट सिलेबस सो बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डेडलाइंस होंगे आपके आप किस तरीके से दोनों लेवल को कैप्चर कर सकते हो एंड बेसिकली क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा ठीक है सो बेसिकली आज जैसे मान लीजिए हम लोग खड़े हैं मे मंथ में ओके okay? हम लोग मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में खड़े हैं तो बेसिकली अभी आप हमारे एफ आर एम कोर्स में एनरोल करते हो जो हमारा ट्रेनिंग फीस है थर्टी थाउजेंड रुपीज का ठीक है so, सो बेसिकली आप मे मंथ में, में एनरोल करते हो फॉर द कोचिंग ठीक है अब इसके बाद में इसमें आपको मिलेंगे हंड्रेड परसेंट लाइव क्लासेस ठीक है एंड उसी का आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा ठीक है उसके बाद में आप देखोगे ये आपने जो एनरोलमेंट कराया ये आपने कराया है नवंबर अटेम्प्ट के लिए ठीक है बिकॉज बहुत छोटा टाइम पीरियड हो जाएगा August के लिए हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ उन बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रेप लेवल पे हैं जिनका प्रेप उतना अच्छे से नहीं हुआ है तो वो हमें से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है ना सो बेसिकली नवंबर अटेम्प्ट के लिए नवंबर में अगर आपको देना है लेवल वन नवंबर में अगर आपको देना है नवंबर ट्वेंटी में देना है तो उसके लिए जो डेडलाइन जो है वो है आपका जुलाई थर्टी फर्स्ट इज दी लास्ट डेट सो जुलाई थर्टी फर्स्ट का हमारा जो लास्ट डेट है तो कैसे करना है आप ध्यान से सुनिएगा तो जुलाई थर्टी फर्स्ट के पहले आप इंस्टीट्यूट में पहले तो वन टाइम एक एनरोलमेंट फी दोगे एंड आप एग्जाम फीस पेमेंट करोगे सो एनरोलमेंट फीस बेसिकली फोर हंड्रेड डॉलर एंड एग्जाम फीस सिक्स हंड्रेड डॉलर सो इन टोटल आप पेमेंट करते हो वन थाउजेंड डॉलर का इन टोटल आप पेमेंट करते हो वन थाउजेंड डॉलर का ठीक है इन टोटल आप पेमेंट करते हो सो हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा जो रेट है बेसिकली एट्टी फाइव का है सो एट्टी फाइव थाउजेंड का पेमेंट करते हो ठीक है एंड उसके बाद में आप जब लेवल वन दे दोगे इसका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली सिक्स वीक्स में आ जाता है ठीक है सो लेवल वन देने के बाद में इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो आप लेवल टू का कोचिंग हमारे पास में ज्वाइन कर सकते हो राइट सो लेवल टू का हमारा जो ट्रेनिंग फीस आता है वो आपका आता है थर्टी थाउजेंड रुपीज का ठीक है एंड आप लेवल टू जो दोगे वो आप मे में दोगे मे ट्वेंटी फाइव में आप दोगे सो मे ट्वेंटी जो अर्ली रजिस्ट्रेशन जो आएगा मे ट्वेंटी का जो अर्ली रजिस्ट्रेशन जो, जो, जो आएगा वो आपका आएगा लगभग लगभग छह सौ डॉलर का और उसका जो लास्ट डेट आपका बन के निकलता है वो है जनवरी थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी फाइव तो वहां पर आपका छ सो डॉलर लगेगा तो लगभग लगभग आपका पचास हजार रुपया वहां लगेगा तो अगर आप टोटल एक लगाते हो अगर आप एक टोटल लगाते हो मैं आपको एक फ्रेश पेज में बना के दिखाता हूं सो so बेसिकली आप L1 की जो ट्रेनिंग लेते हो आप L1 की जो ट्रेनिंग लेते हो उसका आपका थर्टी थाउजेंड रुपीज आता है फिर आप L1 में इंस्टीट्यूट रिलेटेड जो पेमेंट करते हो ये जो ट्रेनिंग है ये आप लेंगे मे मंथ में सो मे ट्वेंटी में आपने ले ली ट्रेनिंग उसके बाद में इंस्टीट्यूट का जो है दैट इज बेसिकली जुलाई थर्टी फर्स्ट के पहले आपको जो पेमेंट करना है वो आपका आएगा एट्टी फाइव थाउजेंड का उसके बाद में अगर आप देखेंगे उसके बाद में आप एल टू की जो ट्रेनिंग लोगे अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप एग्जाम के तुरंत बाद ले सकते हो ठीक है ना सो so बेसिकली इसका जो ट्रेनिंग आप लोगे उसका आपका फीस आएगा थर्टी थाउजेंड ये आप ले सकते हो हमसे नवम्बर एंड पे ठीक है ना नवम्बर एंड पे एंड उसके बाद में लेवल टू का आपका जो एग्जाम रिलेटेड जो फीस आएगा जो एग्जाम फीस जो आएगा वो आपका लगभग लगभग पचास हजार रुपए के आसपास आएगा तो अगर आप इन सब का टोटल लगाते हो इन सब का अगर आप टोटल लगाते हो तो लगभग आपका दो लाख रुपए आता है, ठीक है? एक कैलकुलेटर है BA2 plus, BA2 plus ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, थोड़ा महंगा आता है सो तो तीन से चार हजार रुपए का आपका कैलकुलेटर आएगा जो आपको दोनों पार्ट में यूज करना है राइट बिकॉज में क्या होता है, आपके एक, एक तो होता है कि भाई क्वेश्चन के, के, के फॉर्म में आपको देते हैं तो वो आता है और एक न्यूमेरिकल भी आते हैं तो लगभग लगभग अच्छे खासे परसेंटेज में आपका न्यूमेरिक्स भी आप देख सकते हो ठीक है ना सो थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ न्यूमेरिकल रहता है तो बेसिकली वहां पर आपको कैलकुलशंस करने के लिए फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है राइट टेक्सस इंस्ट्रूमेंट है बी ए टू प्लस राइट इट्स अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर जो आपको दोनों पार्ट में काम में आएगा ठीक so, है सो बेसिकली लगभग दो लाख रुपए का है एंड ये आपको दो साल का वर्क एक्सपीरियंस जो आप ग्रेजुएट होने के बाद में जब आप शो करोगे बेसिकली आप जब काम करोगे तो वो आप शो करके अपना वो सर्टिफिकेशन को अर्न कर सकते हो ठीक है सो दिस वॉज अ क्रिस्प वीडियो ऑन एफ आर एम एंड इफ यू नीड एनी मोर डिटेल्स अबाउट दी कोर्स तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो हमारे एक्सपर्ट्स उस पर रिप्लाई करेंगे ठीक है एंड जो फैकल्टीज जो ट्रेन करेंगे आपको मैं रहूंगा उसमें ठीक है शिवांगी मैम रहेंगी ठीक है अंकित सर रहेंगे ठीक है एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी रहेंगे ठीक है ना तो बेसिकली वी आर गोइंग टू ट्रेन यू फॉर एफआरएम, इट विल हंड्रेड परसेंट लाइव बैच ठीक है जो टाइमिंग्स हमने सोचे वो भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जो टाइमिंग्स हमने सोचे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो टाइमिंग्स हमने सोचे सो बेसिकली टाइमिंग्स आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे हम लोग जो कराएंगे आपको वो कराएंगे टू टू सिक्स पी ठीक है सैटरडे संडे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा बिकॉज उसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे राइट तो सैटरडे संडे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा दैट विल बी टेन ए एम टू टू पी एम ठीक है सो बेसिकली लेवल वन के लिए हमारी ये टाइमिंग्स है ठीक है सो दिस इज बेसिकली टाइमिंग दैट वी हैव थॉट ऑफ सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होप्स दिस वीडियो हेल्प यू ऑल एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी है एफ आर एम से रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू